हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैंने आज का व्लॉग भी शुरू कर ही दिया है। तो आपने कद्दू बहुत खाए होंगे, करेले बहुत खाए होंगे, क्या आपने कभी करेले और कद्दू के पत्तियों का और फूलों का कापला खाया है, यानी कि साग खाया है? हमारी लैंग्वेज में उसे कापला ही कहते हैं, आप साग ही समझना, ठीक है, मैं कापला ही बोलूंगा। आज गाइज हम बनाने वाले हैं कद्दू की पत्तियों का और करेले की पत्तियों का और कद्दू के फूलों का कापला, जो कि खाने में हेल्दी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिसको बनाने में मेरा साथ दे रही मेरी बहन काजल। हाय गाइस, चलो फिर आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है विपिन और मेरे गांव का नाम है मंदार, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित पट्टी ढूंग मंदार। आज की मौसम की बात करें तो पूरे मौसम में बादल ही बादल छाए हैं, कोरा ही कोरा लगा है और काफी अच्छा मौसम बना है, मजा आ रहा है यार। कद्दू की पत्तियों का और फूलों का और करेले की पत्तियों का कापला कैसा बनता है आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो ये है, तो अभी बताते हैं, अभी हम अपने सगवाड़े में ही जा रहे हैं। हमारे सगवाड़े में हर एक चीज की, हर एक प्रकार की साग सब्जियां हैं, सब कुछ भाई, सब कुछ बो रखा मम्मी का यहाँ पे। हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरह के करेले होते हैं, तो हम इसकी पत्तियां निकालेंगे, थोड़ी करेले के और थोड़ी कद्दू की पत्तियां। तो यहाँ से हम कद्दू की पत्तियां निकालेंगे, सब कुछ थोड़ी थोड़ी निकालेंगे और रिमिक्स करके आज इसका कापला बनाएंगे। ये है कद्दू और ये है कद्दू के फूल, कद्दू के फूल भी और पत्तियां भी और करेले के पत्तियां भी हम निकालेंगे कापली बनाने के लिए। गाइज वैसे तो हम यहाँ पर दो चीजों की सब्जी बनाने वाले थे, यानी कि साग बनाने वाले थे, लेकिन काजल ने यहाँ पे फूल, राई, पालक, बिच्छू, घास और ये पतेले, क्या बोलते थे, पथ्यू, पिंडालू, हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में तो इन्हें पिंडालू कहते हैं, आपकी भाषा में पता नहीं क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ पर कद्दू के फोंकले और कद्दू के फूल, तो यहाँ पे इन सब की सब्जी बनने वाली है, कापली बनने वाली है। तो कापली बनाने के लिए हम फूलों से पहले उनका ये साइड का निकाल देंगे और कद्दू की पत्तियों से हम उनका बाहर का कवर निकालेंगे, ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट लगे, ठीक है, जो भी उन पे बाहर का कवर है, कंडे कंडे से उनको निकालेंगे। बाकी इनको अब काटेंगे, धोएंगे, फिर इनकी सब्जी बनाएंगे। इसको गाइस अब हम 15-20 मिनट चूल्हे के ऊपर उबालेंगे। लकड़ी के चूल्हे में बनाने में अलग ही स्वाद आता है, गैस के चूल्हे में उतना स्वाद नहीं आते हैं। चलो इसको 15-20 मिनट उबालते हैं, थोड़ी इसमें पानी डालते हैं, रख ले उसको ऊपर, इसको रखेंगे हम चूल्हे के ऊपर और उसमें उसको गलाने के लिए डालेंगे हम पानी। और गाइस 15-20 मिनट इसे उबालने देते हैं। आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा है, लेकिन उबाल के काफी कम हो जाएगा वो, तो 15-20 मिनट उसे उबालने देते हैं, फिर उसे निकालते हैं, फिर देखते हैं उसे। तो गाइस साग को कम से कम 20-30 मिनट हो चुके हैं, चलो अब देखते हैं कि गला कि नहीं। चलो फिर इसको आप सिलोटा में पीसते हैं, चलो निकाल दे भाई। तो हमारा साग बिल्कुल गल चुका है, तो अब हम उसे और बरी करने के लिए अब हम उसे सिलोटा पर पीसेंगे। हम मिक्सी पे नहीं पीसेंगे, क्योंकि मिक्सी पे पूरा स्वाद मर जाता है, सिलोटा पे स्वाद ही कुछ अलग है, सिलोटा का स्वाद और लकड़ी के चूल्हे का स्वाद ही कुछ अलग है। चलो अब पीस के उसे बरी करेंगे। कापली की सबसे खास बात और अच्छी बात यह है कि उसमें कुछ भी नहीं पड़ता है, प्याज टमाटर कुछ नहीं पड़ता है उसमें, सिर्फ घर का ही है, घर का सरसों है, यानी कि दैन और घर का ही तेल, सब कुछ घर का ही पड़ता है कापली में। चलो बनाते हैं यहाँ पर, तो काजल ने पीस भी लिया है, चलो बताते हैं आपको। दैन का तड़का मारते हैं, तो दैन का तड़का ही चला गया। अब दैन का तड़का मारने के बाद डालते हैं हम इसमें कापली। ले काजल ने उबरी तो पीस लिया, तो कापली चूल्हे के ऊपर चढ़ा ली। अब उस हिसाब से पानी डालेंगे जितने खाने वाले होंगे, अगर दो खाने वाले होंगे तो दो के हिसाब से पानी पड़ेगा, अगर चार होंगे तो चार के हिसाब से पानी पड़ेगा। और सबसे खास बात और मस्त बात मुझे कापली की ये लगी, इसमें मसाला वगैरह वगैरह कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ नमक पड़ता है और तड़का पड़ता है, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा हेल्दी होता है। चलो इसे पकने देते हैं 15-20 मिनट तक, फिर आपको इसका स्वाद दिखाते हैं कि स्वाद कैसा आता भाई। चलो घर पे मम्मी भी आ गई और सब आ गए, अब खाना खाते हैं। और एक ककड़ी लगी थी भाई, ककड़ी भी लेके आते हैं खाने में, फिर आपको इसका स्वाद दिखाते हैं।
गाइस स्वाद की बात ही क्या करें, स्वाद काफी प्यारा था, काफी अच्छा होता यार। एक बार अपने घर में भी जरूर बनाना, जरूर ट्राई करना। काफी सिंपल तरीके से बनता है यार, हेल्दी होता है, कभी काफी स्वादिष्ट होता है। और जाते जाते एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे दोस्त आप में से इंस्टाग्राम फेसबुक में मैसेज कर रहे हैं यार, एक दिन में कम से कम 50-60 बंदे मैसेज कर रहे हैं। बाय चांस किसी का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ या लेट में दे रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, प्लीज़ यार माफ़ करना। एक दिन में 50-60 मैसेज आ रहा भाई, तो कैसे रिप्लाई करूँगा यार। ज़रूर करूँगा, लेकिन एक दो दिन लगे, थोड़ी लेट लगे, पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा यार। नाराज़ मत होना कि भाई रिप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं यार। तो गाइज चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस ब्लॉग को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और हमारे पहाड़ी कल्चर को, खान पान को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि उत्तराखंड।